नमस्कार, मैं अनिल मजुमदार, बाबा अनिल। आज आपको बहुत करीब हमारे घर से दूर होंगे, तो लॉकडाउन की वजह से जो है बिल्कुल, और दूसरी मेरी जो नौकरी है वो कोरोना वायरस पर निर्धारित है, तो उसके कारण मैं जो हूँ मैं कुछ डाल नहीं पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आपने अभी तक बहुत प्यार दिया, आशा करता हूँ कि आगे भी आप देते रहेंगे। मैं आपको जो है, दो लोगों ने हमको, एक तो शायद हरिद्वार के हैं और एक हैदराबाद के हैं, इन्होंने बहुत ही जो है क्या कहते हैं, हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके शत्रु उनको बहुत परेशान कर रहे हैं इस तरह से। तो एक के तो क्या कहते हैं जो है, वो घर में जहां उन्होंने घर बनवाया, नया नकोर घर बनवाया, कार भी खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन उनके घर के सामने गली में ही, मतलब पहले कार निकल जाती थी, किसी साहब ने जो है अपना मकान इतना लंबा चौड़ा कर लिया कि गली बहुत इतनी वो हो गई कि कार निकलने, और वो जो है सामने घर वाले कार निकलने नहीं देते। आप बताइए, यदि कार निकालेंगे नहीं तो कार नहीं नको कार तो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा देखिए भाई, मेरे पास, मैं इस समय उम्र हो गई है, मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ आपको एक सलाह दे रहा हूँ, उसको आप करिए। तो मैंने उनको सलाह दी, तो जो है जिस तरह से वो सलाह दी, तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नवाण मंत्र होता है। नवाण मंत्र जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचाय, ओम ग्लौं हूँ सा ज्वालय ज्वालय प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ज्वाल हंग संग लंग छंग वट स्वाहा। तो ये नवाण मंत्र होता है, उसी का नवाण मारण मंत्र होता है। ये मेरे गुरुदेव ने मुझको दिया था, तो जो है क्या कहते हैं, इसमें यदि कुछ भी हो, कुछ भी फ़र्क या भिन्नता नज़र आए, तो मुझको एक जो है बुद्धिहीन समझ के माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तब भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं शुद्ध रूप से उच्चारण करूं। तो मंत्र है, गुरुदेव का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचाय, उसमें फिर ब्रैकेट में अमुक लिखा है, तो अमुक की जगह आप जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु हैं, उनका नाम लीजिएगा। फिर रंग रंग, खे खे, माराय माराय, रंग रंग, शीघ्रम भस्मी, कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है ना। ये मंत्र है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा मंत्र का, तो आपको उच्चारण में सही होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचाय, अमुकम रंग रंग, खे खे, माराय माराय, रंग रंग, शीघ्रम भस्मी, कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसको करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचाय, अमुकम मतलब मंत्र नाम लेना है शत्रु का, रंग रंग, खे खे, माराय माराय, रंग रंग, शीघ्रम भस्मी, कुरु कुरु स्वाहा। ये तो नवाल मंत्र है। अब इसकी विधि मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जो है ज़्यादा बोर ना हो। सात कुओं का या सात नदियों का जल लेना है आपको, तो नदी तो खैर आपको मिलेगा नहीं, कुआँ हो सकता मिल जाए, नदी तो सात सात नदियों के लिए आपको बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ दो तीन नदियाँ बहती हैं तो वो साथ कर सकते हैं, कि दूसरी तीसरी जगह जाके साथ कर सकते हैं। तो जल लीजिएगा, और एक ताम्र कलश लीजिएगा, तांबे का घड़ा, समझे, कलश कहते हैं उसको हिंदी में, उसमें आम के पत्ते डालकर और उसी पानी से स्नान करना चाहिए। मतलब इतना बड़ा घड़ा लीजिएगा तांबे का, कि जिसमें पानी डाल के आप स्नान कर सकें। पहले आप ऐसे स्नान कर लीजिएगा, तो फाइनल स्नान करेंगे साबुन वाबुन लगा के, मतलब ऐसे जो एज यूजल जो पानी यूज़ करते हैं करिएगा, उसके बाद पूरा घर भर पानी अपने पर अच्छी तरह से डाल के मसल मसल के नहा लीजिएगा, समझे ना। और ललाट पर पीले चंदन का तिलक लगाइएगा, तिलक जो होता है पीले चंदन का होना चाहिए, लगा के और शरीर पर पीले वस्त्र धारण करिएगा, और साधक को पश्चिम की ओर, मतलब जो आप साधक होंगे, चूँकि आप मंत्र का अनुष्ठान करें, तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठना होगा, और ये मंत्र 12 लाख जाप करने से सिद्ध होता है, समझे ना। तो आपको इसको करना पड़े, हमारे ख्याल से जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब तक पूरी कोरोना वायरस यहाँ से विदा होगा, तब तक आपके 12 लाख हो जाएंगे। तो घर पर बैठे हैं तो करिए, पीले वस्त्र का आसन, आसन भी आपका पीले वस्त्र होना चाहिए, और सुखासन पर बैठकर, मतलब पलथी मार के आराम से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए, और हाथों को जो है हाथ में रुद्राक्ष की माला लीजिए, समझे ना, और जो है एकाग्रचित होकर मंत्र का जाप करिए। ध्यान रखिए, 12 लाख जाप करना है, तो 12 लाख में आपको कितने मंत्र रोज, कितने माला रोज करनी है, इसको आपको करना है। और इसकी दूसरी सरल विधि ये है कि आप यदि 12 लाख ना कर पाएँ, तो उसको सोते जागते, उठते बैठते, रहते खाते कमाते, जब भी जैसे भी हो,
घर में बैठे हो तो इसको निरंतर मानस जाप करते रहिए, ये एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। 12 लाख में हो सकता है मुश्किल पड़ जाए, तो ये तो इसमें जो है क्या कहते हैं, कार्य सिद्ध होगा, अवश्य होगा यदि आप विश्वास रखें। इसके साथ ही मैं जो हूँ आप लोगों को कहता हूँ, स्टे होम स्टे सेफ, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए और निश्चित रहिए कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यार जिंदा जात का वायरस को हाथ से उठाता रखता सब कुछ है, सब कुछ करता हूँ, उसको तो अभी तक हुआ नहीं। भगवान की वो है कि मैं अभी तक उससे कोई भी वो नहीं हुआ हूँ, है ना, क्योंकि मेरा काम ही है जो क्या कहते हैं कर्म पहले है और क्या कहते हैं दूसरों का ध्यान बाद में है। तो कर्म पहले करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान ने मुझे अभी तक बचाया कोरोना वायरस से, आगे भी बचाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको कोरोना से सेफ रखे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। नमस्कार।